स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो। तो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन होता ही रहता है, या कई सारे चीज़ों में, रेलवे हो, वहाँ की इकोनॉमी हो, या जो वहाँ की सिटीज़ है उसके ऊपर वीडियोस बनती रहती है। लेकिन आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो मुंबई सिटी और दुबई की कंपेरिजन है, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैक्ट्स है इन दोनों सिटीज के बारे में वो हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। हेलो दोस्तों, आज अगर आपसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सिटीज के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में मुंबई और दुबई का नाम जरूर आएगा। इसीलिए आज हम एक्सप्लोर और कंपेयर करेंगे दुनिया के दो शानदार शहरों को। भले ही ये दोनों सिटीज किसी भी देश की राजधानी नहीं है, लेकिन आज के दिन दुनिया की फेमस सिटीज की बात हो तो दुबई और मुंबई का नाम उस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ये दोनों सिटीज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुबई शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नामक देश के 7 एमिरेट्स में से एक है, और अपने हाई राइज बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ की वजह से दुबई का नाम इतना मशहूर हो चुका है कि यूएई देश से भी ज़्यादा दुनिया में लोग दुबई के नाम को जानते हैं। वहीं मुंबई को अपने बॉलीवुड की वजह से सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन, और सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिटीज के एरिया की। तो यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई मेगा सिटी का एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया लगभग 4455 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे एरिया को कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों शहरों की जीडीपी भी लगभग सेम ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात करें दुबई शहर की जीडीपी की, तो दुबई की जीडीपी लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। वहीं मुंबई शहर की जीडीपी लगभग 277 बिलियन डॉलर के करीब है। और अब आपके मन में ख्याल आएगा कि दुबई शहर इतना डेवलप होने के बाद भी जीडीपी के मामले में मुंबई शहर से पीछे कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है पॉपुलेशन। जी हाँ, जहाँ दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख के करीब है, जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन भारतीय ही हैं, वहीं 2,64,00,000 लोगों के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। इसी वजह से दुबई और मुंबई शहर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी फर्क है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं दुबई में मुंबई के कंपैरिजन में सिर्फ 8% लोग ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई शहर में बिलियनियर्स की कमी है, क्योंकि दुबई के 13 बिलियनियर्स के मुकाबले मुंबई में कुल 72 बिलियनियर्स रहते हैं, जिसमें एक नाम मुकेश अंबानी का भी है, जो मुंबई में ही दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं। लेकिन अमीरी में दुबई का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस शहर में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं, चाहे फिर बात हो दुनिया के इकलौते 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब की, या मैनमेड आइलैंड पाम जमुरा की, या दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू, आयन दुबई और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को देखकर लगता है कि हम किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हैं। वहीं मुंबई भी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोए यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। जहां दुबई 828 मीटर हाइट वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अलावा 240 स्काईस्क्रेपर के साथ दुनिया के टॉप 4 शहरों में शामिल है, तो वहीं 300 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल के अलावा 200 स्काईस्क्रेपर्स के साथ मुंबई भी इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है। वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो दुबई में मेट्रो, बस,
कैब्स होने के बावजूद ज्यादातर लोग पर्सनल कार ही यूज करते हैं, क्योंकि दुबई में पेट्रोल और पानी के प्राइस लगभग सेम हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल प्राइस और ट्रैफिक के कारण लोग लोकल ट्रेन्स और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दुबई नो डाउट भाई साहब बहुत ज़्यादा डेवलप है अगर कंपैरिजन किया जाए मुंबई के साथ। इस शहर की अपनी क्वालिटीज हैं, हाँ, उसकी अपनी है भाई। किसी एक को दूसरे पर ना, लेकिन ये है कि बर्तरी नहीं दे सकते। मुंबई को भाई साहब सपनों का शहर कहते हैं, यहाँ पे लोगों के सपने पूरे होते हैं जी। तो कई लोग जो है वो सपने लेके मुंबई में आते हैं और पूरे भी होते हैं। और भाई साहब पब्लिक देखो कितनी है इधर, तो इतनी बड़ी पब्लिक को संभाल के रखा है और लोग फिर भी खुशहाल है। पब्लिक की बेस पर तो उसका शहर का एक मुंबई कौन सा शहर, एक मुंबई जो है उसकी जीडीपी जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी टोटल शहर के बराबर है। उन्होंने बताया कि दुबई में पानी और पेट्रोल की प्राइस सेम है और इंडिया में मेट्रो है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बहुत है। तो मतलब है कि दुबई बहुत महंगा भी है, एक्सपेंसिव है। खूबसूरत तो है ही है, लेकिन मुंबई जिस तरह की एक तारीखी लिहाज से भी है और बहुत बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है और बॉलीवुड का एक ख़ास उस पर शोहरत है, उसी तरह दुबई को देखिए एक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे दुनिया के हर तरह के टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे अयाशियाँ करते हैं, वहाँ पे अलग तरह का माहौल प्रोवाइड किया गया है और बहुत ख्याल रखा गया है टूरिस्ट का कि उनके लिए अलग अलग तरह के म्यूज़ियम पार्क्स थीम सारा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई है और इनकी कई सारी ऐसे वीडियोस है जो आपको अलग अलग सिटीज़ के ड्रोन व्यूज या बहुत ही हिस्टोरिक जगह है वो देखने को मिलेगी। तो उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और जहाँ तक बात रही मुंबई और दुबई की, तो पॉपुलेशन का बहुत ही ज़्यादा फर्क है, इसलिए जो दुबई है वो तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, जहाँ पे मुंबई की पॉपुलेशन ही 26.4 सम मिलियन है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो समस्या भी ज़्यादा होगी और हमारी मुंबई की जीडीपी दुबई से दो गुना से भी ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो दुबई की सिर्फ 3.6 मिलियन ही है। तो हमारे पॉपुलेशन और जीडीपी का रेशियो बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए हमको दुबई बहुत ही प्रोग्रेसिव सिटी लगता है मुंबई के कंपेयर में। और बिलियनर्स का कंपेरिजन कर तो हमारे मुंबई में 72 है और दुबई में सिर्फ 13 ही है, मेरे जहाँ तक मुझे याद है। और व्यूज तो दोनों ही जगह, हमारे मुंबई में तो हिस्टोरिक जगह भी इतनी सारी है और स्काई स्क्रेपर्स भी है, और जहाँ तक दुबई की बात है वहाँ पे तो बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग्स है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही मॉडर्न है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।